देखते तो उसके कांटे का पानी नहीं मांगता, पर इंसान का बच्चा इसे खेलता है क्यों? क्यों? अरे सिर्फ पापी पेट के लिए जनाब, सिर्फ पापी पेट के लिए। तो साहिबान मेहरबान कदरदान, थूक दान पान दान, गरीबों का खानदान, इधर देख लो मेरी जान। तो इसी पापी पेट के लिए हिंदुस्तान के मशहूर मदारी राम सफदर गुल, यानी कि मैं और मेरा जमूरा किशन फकीर हुल आपके सामने आया है अपना खेला दिखाने। तो एक बार भाइयों बहनों, एक बार मेरे जमूरे की जमूरे, अरे कहाँ भागा रे जमूरे, अरे खेला के बीच में भागे रे, अरे रे तर... उस्ताद, अरे में आए हैं और पैकेट लगता है खाली, अरे हमको लगता है कि दूसरे में होगा, दूसरे में देख तो क्या है, एक सफेद रुमाल है। अरे वाह वाह वाह, मेरा जमूरे कैसा कमाल है, ए जमूरे और बता और बता। लोगों को लगता है कि उसकी घरवाली नीना का नाम है, असल में उस्ताद आपको बता दूं, रुमाल के कोने में अंग्रेजी का अक्षर एम लिखा। अच्छा, लोगों को लगता है उसकी घरवाली नीना का नाम है, लेकिन असल में उस्ताद बाहर वाली मोना का। मारेंगे तेरा मार चला, अरे खेल कर में इनका इज्जत सेल करेगा क्या रे? आखी ना बताओ ना बताओ ना, कौन था? अरे जमूरे, अरे मरद के पैकेट में औरत का रुमाल, अब राफेल दिन पर कांग्रेस का बवाल, इसमें कोई अंतर नहीं रे बाबू। अरे जितना घुसेगा तेरे उतना ब्लंडर मचेगा, इसलिए जल्दी वापस आ जा, वापस आ जा। आ गए, नोच लीजिए, आ गए, आइए बैठो बैठो, मेरे से ध्यान लगा, लगाया, लगा दिया, ठीक है। अपनी गड़बड़ नहीं करेगा तू, नहीं करेगा, बिल्कुल याद करेगा। रखना, ठीक है, इसको पकड़े आसमान में, आसमान में साइज फेल, आसमान में झाड़ू लगाए। अरे चाचा, अरे दिमाग के बत्ती गुल हो गलो की, है आसमान में झाड़ू कैसे लगाए बे? अरे तुम्हारा उस्ताद को पगला बोलता है, इसको यहाँ से भागा नहीं तो इसके बारे में कुछ बताओ। अरे पगला है, बता रहे हैं, बता बता। उसका कहानी तो बड़ा गड़बड़ है उस्ताद, गड़बड़ है कैसे रे? बड़ा गड़बड़ कहानी है उस्ताद, इसका कहानी हम लोगों को नहीं सुना सकते हैं। कह रहे, अरे तुम नहीं सुनाएगा तो कौन सुनेगा रे? इसका कहानी हम आपको सुना दे रहे हैं, आप ही लोगों को सुना दीजिएगा। ऐसा है, हाँ तो ठीक है, ठीक है, तुम हमको सुनाओ और हम लोगों को सुना देते हैं, सुनाओ। सच में इतना गड़बड़ कहानी है जी, हम ही सुनाते हैं। एक समय की बात थी, नगर निगम का था एक कर्मचारी, काम था इसका देश साफ करना। एक प्यारी मासूम सी बेटी थी जिसकी, उसको पसंद था सबसे ज्यादा पढ़ना। एक छोटा कर्मचारी होने के बाद भी इसने अपनी बेटी को पढ़ाने में खूब मेहनत किया और उसकी माँ की कमी कभी उसे महसूस न होने दिया। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी। तो चलो चले उस दौर में, नगर निगम का था ये कर्मचारी, जाने ऐसी क्या बात हुई जो आ गई इस पर आपदा भारी। पापा,
मैं घर आ गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो इसमें नया क्या है बेटा, तू तो हमेशा खुश रहती है। पापा आज कुछ और बात है। मेरी बेटी ने क्लास में फिर से टॉप किया होगा। नहीं पापा, आपकी बेटी ने इस बार मेडिकल का एंट्रेंस पास कर लिया है। सुन रहे हो, मेरी बेटी ने मेडिकल का एंट्रेंस पास किया, अब वो डॉक्टर बनेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। हे भगवान, मेरी बेटी जैसी बेटी सबको देना। पापा अब मैं आपका जब नाम रोशन कर दूंगी फिर आपको ये झाड़ू पोछा वाला काम नहीं करना पड़ेगा। झाड़ू पोछा? बेटा ये कभी नहीं बोलना, लोग जो खाकर यहाँ कचरा फैला रहे हैं, वहाँ कचरा फैला रहे हैं, उस कचरे को मैं साफ करता हूँ। इससे भी अच्छा कोई काम हो सकता है बेटा? कभी ये बात नहीं बोलना, मेरा काम मेरा पूजा है और पूजा कभी गलत चीज की नहीं की जाती है। पापा आप सही कह रहे हैं। पापा एक बात पूछनी थी। पूछ बेटा, बस एक ही पूछेगी। पापा मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, मैं जाऊं? जा, पर जल्दी आ जाना, समय बहुत। एकदम जल्दी, एकदम जल्दी। पक्का? हाँ पक्का। चल जा। दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए की करिए। देखो डॉक्टर चोरी साडा हो गया वे की करिए की करिए। हैप्पी बर्थडे। कैसी हो? हम लोग भी अच्छे हैं। तुमने खाना खाया? खा लिया, और मुझे ना लेट हो रहा है, मैं घर निकल। अच्छे से जाना। तो लेट हो गया, पापा वेट करते होंगे। भाई 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 देख यार क्या लड़की है यार। लो आ गया समाज। अरे क्यों, कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में? क्या लेना था, क्या कहने थे, क्या सोचे हो मेरे लिए? आजकल यही सब खबर है, इस लड़की का इस दिन ऐसे वैसे रेप हो गया। मेरा घर में थोड़ी हुआ है, जिसका घर में रेप हुआ है वो समझे। क्यों ऐसे करते हैं, नहीं करना चाहिए भाई, हमको इस सबसे मतलब नहीं है। चाहे कहीं लोग विश्वास बेकार के रखने पड़ेंगे। बेटा मामा। क्या हो गया? ए बच्चा उठ रहा, सुन कुछ नहीं हुआ, बच्चा उठ रहा, उठ रहा। क्या हो गया, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं हुआ है तुझे, कुछ नहीं हुआ है तुझे। अरे कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को, कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची। आज हम फिर से कांप उठा एक दुखद घटना। कुछ दरिंदों ने बड़ी बेरहमी के साथ एक युवती की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ये क्या हो रहा है हमारे देश को, क्या यही रह गई है हमारी व्यवस्था? तो आइए बात करते हैं पीड़ित और उनके पिता से। कुछ नहीं हुआ बच्चा, जनता को बताइए वो लड़के कौन थे। आपका माथा खराब है क्या? ऐसा हुआ है, ठूस दीजिए मुंह में, ठूस दीजिए। माता का नाम कुछ नहीं बता सकते। चल बेटा बता, कितने बजे रात को हुआ? अरे क्या क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था बच्ची के साथ, कुछ नहीं हुआ था। हम सब देख सकते हैं कि पीड़ित और उनका पिता हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। आइए बात करते हमारे युवा से। अब क्या कहना चाहते हैं गंभीर घटना के बारे में, जनता को बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं इसका विरोध करने के लिए। जो भी हुआ गलत हुआ। क्या किसी ने सोचा उस लड़की के बारे में, उसके परिवार के बारे में? नहीं, बस डेली हर वक्त यही चलता है और हम कुछ नहीं सोचते कभी। लेकिन अब नहीं, हम इसका विरोध करेंगे। आइए हम सब एक रैली निकाले प्रतिज्ञा को बचाने के लिए। तो हम सब देख सकते हैं कि हमारा युवा काफी नाराज है, उनमें एक सिलप सा उभरा हुआ है प्रतिज्ञा को इंसाफ दिलाने के लिए। आप भी हमें अपनी राय बता सकते हैं चैनल पे दिए गए नंबर के पास, वो सब ठीक कर देंगे। तू बहुत जिद्दी है। बाबा देखो मेरी बच्ची क्या हो गया इसके साथ। बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। बाबा इसे बस ठीक कर दो, फिर आप जो बोलोगे मैं तक चिरंजीवी। शांति शांति। तुम्हारी बालिके पर तो बहुत ही किसी गणेश आए का हाथ है बाबा, बहुत दिक्कत आ सकती है बेटा। बाबा नहीं, मैं आपका भ्रमण करूंगा,
इसे बस ठीक कर दो बाबा। धैर्य रख बालक, धैर्य रख। एक काम कर, तीन दिन इसे मेरे कक्ष में मेरे हवाले करके चले जा। बाबा सारा कुछ हल कर देगा यहाँ। बाबा जो करना है ठीक है बाबा, मैं बची रहूँगी। आप किस ढोंगी की बात में आ रहे हैं? बेटा ये ढोंगी लग क्या? तुम्हें मैं ढोंगी लगता हूँ? यम बाबा चला जा, बाद में मत कहना पछतावा हो रहा है। ये नादान है बाबा, ये नादान है। इस बच्ची की बातों में हाँ मत। शांत चला जा अभी यहाँ से, इसे यहीं छोड़ जा। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं। यम जाओ इसे अमृत पान कराओ। ये ले, क्या है ये? बाबा का प्रसाद है, मुझे नहीं पीना। मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? बाबा आपके कक्ष में जाने का समय हो गया है। इधर से अच्छा सोचा है कमाई ने। इसे मेरे कक्ष में अकेले छोड़कर चली जा। बेटी दूर हटो, बाबा के पास आ। दूर हटो। बेटी बाबा के पास दूर हटो। बोल मत, तुम्हारे बाप ने मुझे तीन दिन हवाले कर रखा है। दूर हटो। पास आओ, पास आ इधर। बेटी बाबा के पास आ। ए लड़की बाबा के पास आ। छोड़ो, दूर हटो। इधर जा, इधर आ, इधर आ बाबा के पास। पास आ बाबा के। रुक जा, रुक जा। कल ही तो मैंने अपने बेटी कल के एंट्रेंस दिया था, जे क्या हो गया? मैं बदला लूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। भाई भाई देख, वही लड़की ये यार, उस दिन वाली ही लड़की है। बाबा के पास तो रख दिया, पर कैसी होगी मेरी बेटी? नहीं, बाबा के पास रखा है तो कुछ गलत नहीं होगा। बाबा, क्या है बेटा? क्या है? क्या है? दिखा तो, दिखा तो। नहीं बाबा। ये क्या किया तूने? तुझे मैं क्या करना? मैं क्या कर दिया बच्चा? कानून को हाथ में क्यों ले लिया? कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तुम लागे दे दो, तुम तो दे दो, कोई तो, कोई तो दे दो, कोई कोई तो दे दो, कोई तो दे दो। असल में हमारे समाज का, हमको बेटी को बचाना है। माँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गंदा 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 साहब, समाज साहब गंदा। एक्सक्यूज मी, सॉरी, पीछे कैमरा है, सुनेगा ना? चेहरा, ये चेहरा असली गंदा। ये साहब तो समाज साहब, ये साहब तो समाज साहब, ये साहब तो समाज। अब मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये थी इसकी कहानी। लेकिन एक बात बता जमुरे, तूने ये कहानी मुझे क्यों बताया? हमारे पब्लिक को क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि उस्ताद सबकी सोच सीमित है, सब सही और गलत में फंस जाते हैं। कोई कहता है उस लड़की ने सही किया, कोई कहता है गलत किया, इसी में फंस के रह जाते हैं उस्ताद। इन्हें याद रहता है कि उसने क्या किया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, क्या बीता, उसने क्या क्या सहा। वो कहानी का एक पहलू तो देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी दूसरा भूल जाते हैं उसका। यार तुम ऐसे कैसे कहते हो?
हमारी पब्लिक एक चीज देखकर भी कैसे ना देख पाएगी दूसरी चीज? मैं बताता हूँ सर, जिस तरह से लोगों को लगता है कि अगर वो अपने सड़क गली मोहल्ले इलाके अपने मकान को साफ रखेंगे तो इससे समाज में स्वच्छता आएगी, हमारा देश साफ रहेगा, ऐसा ही है। लेकिन एक छोटी सी बात है उस्ताद, जब तक उस सड़क पर चलने वाले लोगों की मनोस्थिति आत्मा और मन साफ ना हुआ इस देश में स्वच्छता कभी नहीं। मेरे जमुरे ने आज बहुत सीख दिया, हम फिर आएंगे आपका मनोरंजन करने, गाने बजाने, दिखाने थोड़ा नाच और बताने आपको वो जो देखते हुए भी है अदृश्य। धन्यवाद।